अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, योर फेवरेट सीनियर इज हियर। टुडे वी आर गोना डिस्कस द मार्किंग्स ऑफ चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 15, 16 एंड चैप्टर नंबर 17 ऑफ न्यूरोएनाटॉमी। लेट्स गो। चैप्टर नंबर 7 जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए करना है और यहाँ से उस पी के लिए पूछा जाता है जो सल्काई और डिफरेंट गायरे दिए हुए हैं। बाकी आपने इसको नहीं करना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट एमसीक्यूज के लिए आपने रीड करना है इसको। और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लोकलाइजेशन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये भी आपने जस्ट एमसीक्यूज के लिए करना है। इसमें जो डिफरेंट कॉर्टिकल एरियाज दिए हुए हैं उनका आपको बताओ कि वो ब्रॉडमैन एरियाज में कौन सी स्पेसिफिकेशन है, एरिया 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, ये आपको बताओ। और इन एरियाज के जो मेन फंक्शंस हैं वो आपको बताओ जस्ट फॉर द एमसीक्यूज। और उसके बाद सेरेब्रल डोमिनेंस वाला वहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है, वो भी आपने अच्छे से करना है। सेरेब्रल डोमिनेंस वाला इंपॉर्टेंट है टॉपिक। और इस चैप्टर के जो क्लिनिकल्स हैं वो बेसिकली मोटर फिजियोलॉजी से क्लियर हो जाते हैं, तो यहाँ से आपने नहीं करना और पीछे भी नहीं जाते। ये चैप्टर भी आपने एमसीक्यूज के लिए करना। और उसके बाद चैप्टर नंबर नाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड लिम्बिक सिस्टम, ये भी आपने सिर्फ एमसीक्यूज के लिए रीड करना है। एंड आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 15 जो मेनिंजेस वाला है वो आपने पहले ही हेड एंड नेक से किया हुआ होगा। क्रैनियल कैविटी वाला चैप्टर नंबर 12 है हेड एंड नेक में, वो बेशक वहाँ से करें या यहाँ से करें एक ही बात है, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 16 वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड वाला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने सारा करना है, ठीक है। वहाँ से UQ भी आ सकता है, MCQs भी आ सकते हैं डिफरेंट वेंट्रिकल्स के, ठीक है। और स्पेशली फोर्थ वेंट्रिकल इंपॉर्टेंट। और चैप्टर नंबर 17 वो भी आपने सारा करना, ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वाला, उसमें से हाईली चांसेस हैं कि वहीं से ही UQ आएगा, क्योंकि पहले कई मरतबा वहाँ से UQs रिपीट हुए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सर्कल ऑफ विलिस। तो आपने ये सारा चैप्टर करना, चैप्टर नंबर 16 भी और चैप्टर नंबर 17।